गुड मॉर्निंग गाइस, और अब हमारा नेक्स्ट डे चालू हो चुका है। तो आज हम जाएंगे घूमने शिव कैफे। और कहाँ कहाँ जा रहे हैं? वाटरफॉल। और कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बक्सुनाग। बक्सुनाग मंदिर है शायद वो। शिव कैफे भी चलेंगे, देखेंगे अगर ट्रैक कर पाए बच्चों के साथ तो करेंगे। और ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। ब्रेकफास्ट कर लिया सब? कुछ खाने को दो ना सब। बेचारे गरीब को कुछ खिलाओ रे। हेलो बेटे, गिट 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 गिट। आओ ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट हमारा डन हो चुका था, थोड़ी देर हमने किया रेस्ट और अब हम हो चुके हैं तैयार जाने के लिए शिवा कैफे। मॉल थोड़ा सा अजब होगा, बच्चों के साथ जा रहे हैं। पैकिंग डन हो चुकी है, मैम हमारी रेडी हो रही हैं, बच्चे हमारे सो चुके हैं। ऐसे घूमना होता है, देख लो। टिंगड़िंग टिंगड़िंग। तो चलो धर्मशाला का शिवा कैफे दिखाते हैं आपको। हमारी वाइफ नहीं आई है, हमारे बच्चे नहीं आए हैं क्योंकि बारिश हो रही थी, थोड़ा सा माहौल अलग था। वाटरफॉल सही है शिवा कैफे। हालत हो गई डाउन, मतलब कितना थक गए ना, बच्चे आ नहीं पाए, बीवी आ नहीं पाई। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे जाके, मतलब यहाँ पे आए हैं तो एंजॉय करेंगे और अब उन्हें वापसी लेने जाएंगे और उन्हें जब साथ लाएंगे तो कहीं कुछ देखते हैं माहौल कुछ और, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल सी जगह है बच्चों के साथ आने के लिए। तो हाँ जी, हमारी एक गेम शुरू हुई है यहाँ पे। आज हम आए हैं टेरेस पे, हमने थोड़ी सी करी मस्ती और मस्ती के साथ साथ एक गेम हमने इजाद करी है। गेम ऐसे है, लोगों को पता तो जरूर होगा कि उस गेम के बारे में, बट मैंने इसको बताया इसके लिए न्यू थी। उस गेम में ये है कि हम लकी 21 बोलते हैं उस गेम को, उसमें जो हारेगा उसको बॉटम्स अप करना है। हारेंगे कैसे? उसमें 21 जिसके ऊपर आया मतलब वो जीतेगा बेसिकली, और जिसके ऊपर 20 आया या जो मतलब ऐसे गेम है वो। मैं बोलूंगा 1 2 3, तीन मेरे को 3 पॉइंट्स मिलेंगे, सामने वाले को भी 3 ही मिलेंगे, वो हम खेल के दिखाएंगे ना। तो आप देखो कैसे, मतलब जैसे कि मैं एक भी बोल सकता हूँ, 1 2 3 बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 1, तो ये शुरू। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर मैंने मान लो बोले बोला 1, तो ये बोलेगा 2 3 या हो सकता है 2। गाइस वो गेम हम खेल के दिखाते हैं और हारने पे क्या है और आपको पता चल जाएगा उस गेम में क्या है और जो हारेगा उसके बाद उसको क्या होगा। देखो हारेगा क्या होगा, और फाइनली मैं बोलता हूँ कि जो पैक बनाया हमने, जो हमने विस्की का पैक बनाया, वो पटियाला भी नहीं, अमृतसर भी नहीं, वो सीधा पाकिस्तान है। वैसे मैं पीता नहीं हूँ और अगर हार गया ना तो ये मुझे पीनी पड़ेगी और ये सेहत के लिए हानिकारक होती है, वैसे नहीं पीनी चाहिए। बट हाँ थोड़ी सी मस्ती, क्योंकि मैं बाहर आया हूँ, मस्ती इतना बनता है। तो ये इसके अंदर इसने बहुत सारी मिलाई है, बहुत सारी, और ये शर्त होगी हारने के बाद कि एक बारी में पीनी है। गलत चीज है, दैट इज बॉटल द, इसको पीनी है। मैंने और ये मतलब मैं भी पी सकता हूँ, मैं फंस गया तो अगर मेरे को पीनी। आप किसी बड़े की निगरानी में पी सकते हैं, जैसे मैं अपनी वाइफ की निगरानी में पी रहा हूँ। और हाँ सबसे बड़ी बात कि ये मेरी वाइफ जी ने ही बनाया है। तो गेम हमारी शुरू हो रही है, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। और हाँ शराब सेहत के लिए हानिकारक है, मैं नहीं पीता, आप भी मत पीना। अच्छा तो ये मैं भी नहीं पीता, हाँ मतलब सॉरी हम भी नहीं पीते। ठीक है, मस्ती के लिए पीते। समझ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
भारी मिस्टेक हो गया सर। पर हाँ तो फाइनली विनर ना हो जीते हुए, मगर जीते हुए क्या जीता रहे, जीते हुए मगर ये मैं लगी ना मेरी विशेष लगी ना मगर ये मैं पी वेट अ मिनट मैं पीऊंगा मेरे को पी नहीं है, देखता हूं ना कैसा लगेगा। विल चीयर्स। एक्चुअली हम दोनों भाई हैं और हमारा दोनों का नाम नोनू 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 वन नोनू टू। सो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट। ये आप पैक पी रहे हैं कि अगर आप ये पी लो, बट इनको कुछ और देर देना। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ये मैं पीऊंगा, इसको मैं अलग से बेयर दूंगा। वो तो ठीक है, डन। बेयर देंगे सारा खर्चा इसका। वो तो हो ही रहा है। पर भाई बाद में देने पड़ेंगे, अब नहीं देने। चलो भाई। अरे बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। इन्होंने क्यों पी पर? मैं जीता हूँ क्योंकि नहीं नहीं, देर कुछ और था क्योंकि ये यस इनकी चाल ऐसे होगी पहाड़ों पे एक स्टेप लिया। तो हम तो चले पार्टी वाड़ी करके निकले अपने बच्चों के संग। पाओ 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 मेरे बेटा मेरी बेटी। चलो चलेंगे मार्केट। यार ये तो बड़ी शांति पड़ गई मार्केट एकदम से रात को। हेलो गाइस, नेक्स्ट मॉर्निंग में आपका स्वागत है और हम निकलेंगे घर की। और रास्ते में हमने सोचा है कि आज का दिन हम यूज करेंगे, पैराग्लाइडिंग करने का मन है, अगर मिल गई तो जरूर करेंगे और मस्ती करेंगे उसके अंदर। तो आ गए हम इन सब को लेके इनकी वाली डेस्टिनेशन दिखाने के लिए। कल हम आए थे यहाँ पे, तुम नहीं थे सारे। कौन कौन आया था? हाँ हम लोग। एक्टिंग की बादशाह हो कसम से बहुत। तो अब यहाँ से करेंगे मस्ती शुरू विद फैमिली। भक्सू मंदिर में हमारा आना हो गया। आज हमने मंदिरों के दर्शन करने हैं तो हमने कुछ भी नॉनवेज जैसा कुछ नहीं खाया क्योंकि कल हमने आना था यहाँ पे बट गलती से हमने ब्रेकफास्ट एक से कर लिया था। दर्शन करते करते धूप में इतनी तेज बारिश हो गई यार। लो वैसे पता नहीं कैमरा देख पा रहा नहीं होगा। हाँ क्रिसमस ट्री लग रहा है पूरा यार, अच्छा सा ट्री है। देव जी का मंदिर है यार, सभी देवी देवता यहाँ पे भी हैं। जय शनि देव, जय विष्णु भगवान जी की जय। आओ आओ मेरी दीरा, इनको देखो मैम को। हेलो हेलो दीरा। हेलो, डैडू का चैनल जरूर देखें, नोनू व्लॉग। ओए पॉइंट पे आ चुके हैं हम और अब मैगी खाई जाएगी हमारे परिवार की तरफ से। आप भी खाओगे गोलगप्पे? बेबी हमारे ले रहे हैं मजे। दिरीश हेलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो। चुप ना रे। अ अ अ अ इसकी एलर्जी इतनी बड़ी है कि मर जाते हैं। दीरा हेलो 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 हेलो। लोकेशन दिखा दो एक नंबर की। चले घर की और रास्ते में कुछ और मस्ती कर पाए तो बताएंगे जी। फिलहाल अभी डाल रहे कुत्तों के बिस्कुट बंदरों को। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ध्यान रखना कोई बदतमीजी मत करना। पहले फोन दिला के दो। तेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो भाई, नोनू व्लॉग्स।
एक्सक्यूज मी मैम, चलो आओ जी आओ, आपको ज्वाला जी माता जी के दर्शन करवाए। आ जाओ आप लोग, पहले हाथ धो लो और चुल्ली कर लो। मैं तो बाहर ही खड़ा रहूंगा, जय माता दी। आयो जी ज्वाला जी के दर्शन कराएंगे। के दर्शन करते हुए भाइयों से प्रार्थना है, ज्वाला जी के माता जी के दर्शन शांति पूर्वक और लाइन में ही करें। माता जी के मंदिर में रखते हुए दान ओ मेरा बेटा, कैमरा लाउड है नहीं है। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने, हमारी दीरा मत्था टेका भगवान जी को, जय माता दी। फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं, हमने वीआईपी दर्शन किए हैं। वैसे तो रश मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, रश की लाइनें इतनी हैं। ये सारा सामने पब्लिक लाइनों में लगी हुई है। हमारे दर्शन हो चुके हैं डन, और हम निकलेंगे घर की ओर। और हमें दर्शन करने में सिर्फ कितने लगे, एक मिनट लगा, तो इतनी लंबी लाइन थी। तो मेरे भाई की बातचीत अच्छी थी यहाँ पे भाई, जलवा है हमारा बंदा चंडीगढ़ का ही है, कह रहा आओ बिना लाइन के काम कराता हूँ। मज़ा आ गया, एक मिनट भी लगा और भगवान के दर्शन पूरे हो गए, बढ़िया। और हमारा बेबी डिक्चिक डिक्चिक, हाँ जी क्या साहब, कुछ नहीं बोलूँगी, लेवल सबके निकलेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं मज़ा आ गया, तेरी बातचीत सही थी यार। यार थोड़ा तो चलेगा ना, मैं चंडीगढ़ रहने वाला बंदा, थोड़े तो लोग जानते होंगे। Yes. तो अच्छा है, बट अच्छी जगह पे हमें लोग जानते हैं ना। हाँ ये बात सही है, नहीं तो कहीं होगी ठेकर में जानकारी होती है, बिना लाइन के दारू मिल जाती है। ये क्या बात करता है यार, पंडित जी ने जाते ही एंट्री कराई कि आओ 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 गेरा साहब, आओ गेरा साहब आओ। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो, किस बात के लिए खुश हो इतने, अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो। चलो जी आप निकलते हैं घर की ओर, रास्ते में बगलामुखी भी है और ज़्यादा लेट नहीं हुए तो वहाँ भी मत्था टेकेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। रास्ते में चलते चलते लगी थोड़ी सी भूख और खाने का प्रोग्राम बनाया, और लकीली इतनी प्यारी एक जगह दिखी जहाँ रुकने का अपने आप मन किया। और लोकेशन है ये माता श्री चिंतपूर्णी टूरिस्ट अम्यूनिटी सेंटर नंदपुर, ईयर 2022 में आई थिंक इन्होंने शुरू किया है। और लोकेशन कुछ ऐसी सी है, कुछ ऐसा सा रेस्टोरेंट है, अच्छी लोकेशन है, मतलब जगह देख के रुकने का मन किया। तो कभी भी आप यहाँ पे आओ तो वेलू आना ज़रूर। हमने हॉट एंड सॉर ऑर्डर किया था और अच्छा लग रहा है, और ये वन ऑर्डर किया था, 1/2 है, क्वांटिटी भी अच्छी है मगर है। तो बाकी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा रहेगा। डिनर वॉज ऑसम, मज़ा आ गया खाना खा के, टेस्ट बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, बच्चा भी खुश हो गया। हाँ भाई वो तो कुछ आइसक्रीम ऑर्डर करिए कुछ इस टाइप से, और बाकी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। जितने लोग मुझे जानते हैं मुझे देखते हैं तो यहाँ रुकिएगा, अच्छा प्लेस है, अच्छा खाना। अब ये देखो मेरे बेबीज कैसे सो रहे हैं, इनका हमने पूरा सिस्टम बना रखा है बेड, और आपको पता है ये रो क्यों रहे हैं, ये इतनी शरारती लड़की है ना, गाड़ी रुकते के साथ ही इसको उठाता है कि भाई मेरे को अब गाड़ी चलाओ, फटाफट गाड़ी चलाओ। ये राइडर बच्चे हैं कसम से, गाड़ी के अंदर फर्स्ट क्लास होते हैं, बट देखो नहीं नहीं नहीं, धीरा धीरा। तो फाइनली अब हमारी ट्रिप जो है वो डन हो चुकी है और घर की ओर निकल चुके हैं हम लोग। मस्ती वाजी बहुत हो चुकी थी ट्रिप में, और आपको ब्लॉग कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। और घर जाते जाते सोचा एक चाय हो जाए, ये हमने लिए तंदूरी चाय,
सुखा के पास। थोड़ा सा खाएंगे पियेंगे, चाय शाय पियेंगे और निकलेंगे घर की ओर। और हमारा व्लॉग देखते रहिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोग हमारा व्लॉग देख नहीं रहे और देखते भी हैं तो आप हमें सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है।